दोस्तों, अगर मैं बात करूं Redmi 12C के बारे में, जो कि लॉन्च डेट कंफर्म किया गया है इंडिया की, और यहां पे वेरिएंट की अगर हम बात करें तो तीन वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है। 4GB का रैम आ रहा है, जो कि स्टोरेज यहां पे डिफरेंस है, ये दो वेरिएंट हो गए। और एक वेरिएंट है 6GB के साथ है, जिसका आपको 128GB का स्टोरेज मिल रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्ले और फीचर्स के लिए बात करूं तो काफ़ी कुछ पहले के मुकाबले में सही दे रखा है, लेकिन एक बार अगर सी सीरीज आ रहा है तो थोड़ा यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ इसमें फ़र्क है और कितना कुछ आप स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इसके मिल रहे हैं। 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ सपोर्ट कर रहा है, 500 nits ब्राइटनेस के साथ है, जो कि आपको Redmi 12C में एंड्रॉयड OS पर काम कर रहा है। मीडियाटेक हीलियो G85 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है, 2.0 GHz क्लॉक स्पीड वाले पर रन करता है। वहीं ग्राफिक्स के लिए फोन माली G52 में MP2 GPU पर काम कर रहा है। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो बैक पैनल पर 50 MP का प्राइमरी सेंसर है और सेकेंडरी AI लेंस का है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 MP का फ्रंट कैमरा का सपोर्ट करता है। 10W का चार्जिंग का सपोर्ट 5000mAh की बैटरी के साथ ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसको जो शुरुआत चाइना में हुआ था, सेम आपको उसके अगर चाइना की करेंसी के अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडिया में तो आपको 8000 रुपये के आसपास में आ रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो वेरिएंट में जो फीचर्स में सेम चाइना में लॉन्च हुआ है, क्या इंडिया में होगा? तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलने वाला है एज अ इंडियन वारंटी के, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंट ज़्यादा होते हैं तो चांसेस होते हैं प्राइस के अप एंड डाउन, लाइक आपको 8000 या फिर 7600 या फिर 9-8000 हो सकते हैं एज पर वेरियंट। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं आपको 30 मार्च को क्या कुछ इसमें मिलना है। हालांकि आप चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन की इंडिया अमेजोन में और फ्लिपकार्ट इंडिया के देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो यहाँ तक, वीडियो को पसंद आ जाए आप लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं खबरी में, तब तक के लिए टेक केयर।